हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विनीता टैरो गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं एंड अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को सॉरी बोलना चाहती हूँ क्योंकि चैनल पे रीडिंग्स काफ़ी दिनों से नहीं आ रही थी। ओके, तो इसका कारण ये था कि मुझे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट काम आ गया था जिसको करने में मुझे टाइम लग रहा था। सो अब जो है वो रीडिंग रेगुलरली आएगी आप लोगों के लिए, और आज की जो रीडिंग है वो है आपके निकट भविष्य के लिए। ठीक है, यानी कि आपका नियर फ्यूचर कैसा होने वाला है आज हम इस रीडिंग में देखेंगे। ओके, तो ये जो रीडिंग होगी वो आपकी 3 मंथ्स के लिए है, लाइक फैब, मार्च और अप्रैल। ठीक है, फरवरी, मार्च और अप्रैल का महीना आप लोगों के लिए क्या कुछ लेके आ रहा है, इन 3 महीनों में आपके जीवन में क्या कुछ घटेगा, क्या ब्लेसिंग्स, क्या चेंजेस, क्या कुछ हो रहा है, ठीक है, वो मैसेजेस हम यहाँ पे देख रहे हैं। रीडिंग देखने से पहले आपको अपने लिए एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, और आज जो ऑप्शन को सेलेक्ट करने का तरीका है वो है आपके नाम का पहला अक्षर। तो आप देखिए कि आपका जो नाम का पहला अक्षर है वो किस वाले ऑप्शन में आ रहा है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर 1 के लिए है ACDEKSTNRFGLNX। ओके, ऑप्शन नंबर 2 में जो नेम इनिशियल्स आ रहे हैं वो है BHIGMOPQUVWYNZ। आप आराम से अपने ऑप्शन को देख लीजिए, फिर सेलेक्ट कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, वहाँ पे जाके सीधे आप अपने रीडिंग तक पहुँच सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो रीडिंग होगी ना वो जनरल रीडिंग होगी, आप सभी जानते हो। तो आपके साथ जितनी मैसेजेस रेजोनेट हो रही है आप उसे रखिएगा, जो रेजोनेट नहीं होती है उसे आप बिल्कुल जाने दे सकते हैं, उसके लिए टेंशन नहीं लेना। ठीक है, ये टाइमलेस रीडिंग होगी, तो आपके सामने किसी भी मंथ किसी भी ईयर आ रही है, आप इसे आराम से देख सकते हैं। एंड अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए जो भी रीडिंग्स अपलोड करती हूँ वो आप लोगों को मिल जाए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपकी रीडिंग में। हेलो ऑप्शन नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। आपकी नेम इनिशियल्स यहाँ पर है। चलिए देखते हैं कि आप लोगों का नियर फ्यूचर मंथ ऑफ फैब, मार्च और अप्रैल कैसा जाने वाला है वो यहाँ पर हम देख रहे हैं। ठीक है, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो चलिए आपके लिए हम कार्ड्स यहाँ पे निकालते हैं और देखते हैं हमें क्या पता चल रहा है। एस ऑफ वैंड्स का कार्ड आ रहा है, नीचे जो कार्ड गिरा है वो है एस ऑफ कप्स का, बट हम फिर से इसे एक बार शफल कर लेते हैं। Then we have 6 of Pentacles and then we have 2 of Cups. Okay, यहाँ पे मुझे फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो दिख रहे हैं। बॉटम में है 8 of Cups का कार्ड। सो मुझे यहाँ पे आप लोगों की करेंट एनर्जीज में दिखाए जा रहे हैं जैसे कि आप लोग जो है वो अपने लाइफ में आगे बढ़ने की इच्छा रख रहे हो उस टाइम पे। ठीक है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस टाइम पे आपकी जो एनर्जीज है वो हो सकता है, लाइक वी हैव द कार्ड ऑफ 8 of Cups। 8 of Cups का क्या कार्ड है, जैसे कि पास्ट की कुछ बात है या पास्ट की कोई चैप्टर है उसको एंड करके आप लोग जो है वो नए डायरेक्शन में बढ़ने को रेडी हो। ठीक है, यहाँ पर भी वही चीज़ है, एस ऑफ वैंड्स नई शुरुआत को दिखा रहा है। तो आपके लाइफ में इस टाइम पे कोई नई शुरुआत हो रही है, नई शुरुआत यहाँ पे दो लोग मिल के कर रहे हैं। ओके, ये करियर में भी हो सकता है, दो पार्टीज हो सकती है, दो लोग हो सकते हैं, एक आप हो और सामने कोई और पर्सन है। तो यहाँ पे दो लोगों का मिलना मुझे दिख रहा है, चाहे वो प्रोफेशनल वे में हो चाहे वो पर्सनल वे में हो, तो आप लोगों की एक नई शुरुआत मुझे यहाँ पे दिख रही है। फॉर सम ऑफ यू दिस इज योर लव रिलेशनशिप एंड फॉर सम ऑफ यू ये आपके करियर में वो चीज़ें हो सकती हैं, बट यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है ना वो दिखाई जा रही है जैसे एक नई शुरुआत, एक नई सोच, फ्रेश एनर्जी। ठीक है, एंड हो सकता है कुछ लोगों को यहाँ पे कुछ रिसीव हो रहा है, कुछ मिल रहा है आप लोगों को। ठीक है, लेट मी सी मोर। यस, यहाँ पे 7 of Pentacles का कार्ड है। तो आप लोगों में से कुछ लोग हो सकता है कुछ चीजों के लिए तैयार हो रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे तैयारियां दिख रही है और कोई प्रिपरेशन, कोई नई बिगनिंग, वो चीज़ें आप लोगों की करेंट एनर्जीज यहाँ पे है। यस, टेम्परेंस का कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो आपके लाइफ में कोई नई शुरुआत होना, उसकी नई तैयारियाँ करना, चाहे वो कोई पोजीशन है, चाहे कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप है। ठीक है, बट आपके लाइफ में एक नई फेज आती हुई मुझे यहाँ पे दिख रहा है जो करेंटली चल रहा है आप लोगों के लिए, और इस चीज़ को लेके आप लोग बहुत एश्योर्ड हो, आपको लग रहा है कि ये चीज़ आपकी लाइफ में होनी चाहिए थी
और बहुत ही बैलेंस्ड फील कर रहे हैं आप लोग, ठीक है, इस टाइम पे. सो चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट चैप्टर आपका लाइफ का कैसा होने वाला है. ओके, उसके लिए मैं ये सारे कार्ड्स हटा दूंगी ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है. सो ऑप्शन नंबर वन के लिए नेक्स्ट चैप्टर कैसा होगा उनके लाइफ का, वी हैव कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, प्रॉस्पैरिटी बिगिंस एंड सैक्रल चक्र. ओके, Why is the card of conflict and defeat here? Please clarify this one. Please angels help me, guide me for my viewers. Queen of Wands. Okay. Prosperity begins and death and rebirth. Okay. This is Three of Wands and Two of Wands. Page of Wands. Okay. So option number one, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि next chapter आपके life का जो होगा, especially अगर month of Feb की बात करती हूँ, फरवरी महीने की बात करती हूँ, इस महीने में आप लोगों के ऐसा हो सकता है ना कि आपकी पर्सनालिटी से कुछ लोग जो है वो इंटिमिडेटेड फील करेंगे, ठीक है. कुछ लोगों को लगेगा कि आप उनके सामने या तो अपनी एनर्जीज या तो अपनी पोजीशन पावर का शो ऑफ कर रहे हैं. कुछ लोगों के साथ ऐसा होगा कि आप किसी को कोई अच्छी बात बोल रहे हो, समझाने के लिए बोल रहे हो, या उनकी भलाई के लिए कोई बात बोल रहे हो और उनको वो चीज़ बुरी लगेगी और वो ऐसा फील करेंगे कि आप उनको नीचा दिखा रहे हो. एंड यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट की एनर्जी है, तो वो लोग कहीं ना कहीं आपके सामने आपकी बातों से डेफिनेटली आपकी बातों का असर उन पे पड़ेगा, बट वो लोगों को उन लोगों को आपकी एनर्जीज जो है वो अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है. उनको ऐसा फील होगा कि आप अपने आप को ज़्यादा समझते हो, सुपीरियर समझते हो और सामने वाले को इन्फीरियर समझते हो. तो यहाँ पर कुछ चांसेस है कि आपकी एनर्जीज से, आपकी पर्सनैलिटी से कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है. ये चीज़ आप जानबूझ के नहीं कर रहे हो, ठीक है. यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई हुई है, यहाँ पर एक कैंडल है, यहाँ पर काफ़ी सारे कैंडल्स हैं. सो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि अगर आप किसी को कोई एडवाइस दे रहे हो या किसी को रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हो, आपकी इंटेंशन डेफिनेटली अच्छी है, आप किसी को गाइड कर रहे हो या अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग किसी को कुछ बोल रहे हो, बट उस पर्सन को वो बात अच्छी नहीं लग रही है. और उसका कारण ये है कि उसको लग रहा है कि आप उनके ऊपर अपना हक चला रहे हो या उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो या उनको ऑर्डर दे रहे हो, ऐसे कुछ उनको फील हो सकता है, ठीक है. तो इस टाइम पे आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर कोई पर्सन रेडी नहीं है आपकी एडवाइस को लेने के लिए, तो आप उस टाइम पे उनसे वो चीज़ें बात मत करिए, बिकॉज यहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं, ठीक है. एंड यहाँ पर फिर मुझे दिख रहा है प्रॉस्पैरिटी बिगिंस एंड जस्टिस का कार्ड है. सो आप लोगों के लिए जो मार्च का महीना रहेगा, उस मंथ में आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अच्छी रहेंगी. एंड यहाँ पे मुझे जस्टिस का कार्ड दिख रहा है, ठीक है. तो आपके साथ चीज़ें बढ़िया हो रही है, जैसा आप काम कर रहे हो, अगर आप मेहनत कर रहे हो, आप पेशेंस के साथ चीज़ों के लिए वेट कर रहे हो, देन आप काफ़ी मायनों में ग्रोथ देख रहे हैं, ठीक है. कुछ चीज़ों के लिए मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी बात नहीं सुनते, आपका काम किसी वजह से रुका हुआ है, या कुछ यहाँ मुझे दिख रहा है कोई नेगेटिव एनर्जीज है आपके चारों तरफ, उसको आप फील कर पा रहे हो आपके लाइफ में. तो वो चीज़ें खत्म होती हुई दिख रही है इन द मंथ ऑफ मार्च. और समवेयर आप लोग कहीं ना कहीं एक फिजिकल स्ट्रेंथ फील कर रहे हो, अपने चारों तरफ एक पॉजिटिव एनर्जी फील करते हुए देख रहे हैं, ठीक है. मुझे यहाँ पे एक एनर्जी शिफ्ट दिख रही है मंथ ऑफ मार्च में, ठीक है, जहाँ पर आपको फील होगा कि आप पावरफुल हो, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, चाहे वो फिजिकल वे में हो चाहे वो इमोशनल वे में हो, ठीक है. और समवेयर मुझे इस ऑप्शन के लिए दिख रहा है कि आप लोग अपने चारों तरफ जो नेगेटिव एनर्जीज फील करते हो, या तो आप हो सकता है कि आप लोग बहुत ही इमोशनली ड्रेन्ड फील करते हो, या बात बात पे आपको चिढ़ आ रहा है, बात बात पे आपको रोना आ रहा है, कुछ ऐसी अगर आपकी सिचुएशन है, तो फिर यहाँ पे मंथ ऑफ मार्च में वो चीज़ें खत्म हो रही है, ठीक है.
सो मंथ ऑफ मार्च आप लोगों के लिए जो रहेगा वो बहुत ही पॉजिटिव रहेगा. ऑल्सो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल सपोर्ट आपको मिलता हुआ दिख रहा है. 11 एंड यहाँ पे 1 है. काफ़ी सारे एंजेलिक नंबर दिखना और बहुत ही पॉजिटिव फील करना, वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है. ओके और ऐसा हो सकता है कि आपका अगर फैब का मंथ थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है तो मार्च में चीज़ें बहुत अच्छी होती हुई दिख रही है. ठीक है ना. यहाँ पे सैक्रल चक्र है और फिर कार्ड आ रहा है पेज ऑफ पेंट्स का और यहाँ पर है डेथ एंड रिबर्थ का कार्ड. कुछ भूली बिसरी काम, ठीक है, या कुछ भूली बिसरी यादें. मान लो बचपन में कोई ऐसी चीज़ आप करते थे और उसे बहुत टाइम से आपने किया नहीं है, तो वो चीज़ें आप मंथ ऑफ अप्रैल में करोगे. बिल्कुल बच्चों की तरह आपकी एनर्जीज रहने वाली है. ठीक है, बहुत एनर्जेटिक फील करोगे. हो सकता है अपने पुराने दोस्तों से मिलोगे तो बहुत वो पुरानी यादें आ जाएंगी, यूथफुल एनर्जीज रहेंगी. ठीक है, और हो सकता है आप लोग किसी पिकनिक पे जाओ. बट मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है ना कि आप लोग अपने आप को बिल्कुल छोटे बच्चों के जैसा फील करोगे. ठीक है, वैसे कुछ काम करोगे, घूमना फिरना, मस्ती करना, या कुछ पुरानी चीज़ें आप जो बचपन में किया करते थे वो मंथ ऑफ अप्रैल में फिर से करोगे. एंड डेफिनेटली दिल की सुनना, वो चीज़ें मुझे दिख रहा है. हो सकता है मान लो कि आप बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट को फॉलो कर रहे हो उस टाइम पे. ठीक है, तो मंथ ऑफ अप्रैल ऐसा हो सकता है कि आप लोग मन की करोगे कुछ, मतलब ऐसा खाना खाओगे जो बहुत ही आपका फेवरेट हो. ठीक है, और आप उसे बहुत दिनों से खा नहीं पा रहे थे बिकॉज आप क्योंकि किसी एक स्ट्रिक्ट डाइट को फॉलो करते, तो वो सभी चीज़ें हो सकती हैं. तो विद द कार्ड ऑफ सैक्रल चक्र आप अपने दिल की सुनते हुए दिख रहे हैं मंथ ऑफ अप्रैल में. सो ये चीज़ें मुझे यहाँ दिखाई गई है. अभी हम और भी कार्ड्स लेंगे और देखते हैं कि आपका नेक्स्ट चैप्टर कैसा हो रहा है लाइफ का. फॉर ऑप्शन नंबर 1, we have focus number 33, gentleness and diplomacy. यहाँ पे मुझे ना like यहाँ पे 22 है, 33 है, so master number 11, 22 and 33 कुछ लोगों के लिए important हो सकता है. okay, अगर master number 11, 22 और 33 आपका है या आपसे relate करता है किसी भी तरीके से, तो ये reading आपके लिए है. ठीक है, वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई जा रही है बिकॉज नंबर 22, नंबर 33 और 11, ठीक है, ये मास्टर नंबर्स होते हैं. अगर आपको नहीं पता है तो आप इसे सर्च कर सकते हैं गूगल के थ्रू और आपको समझ आएगा कि तो आपको समझ में आएगा व्हाट आर दिस मास्टर नंबर्स. ठीक है, एंड यस, लेट मी टेक मोर कार्ड्स. फॉल्स पर्सन, कोर्ट हाउस, चाइल्ड. सी यहाँ पे चाइल्ड का कार्ड आया है एंड मुझे यहाँ पे डेफिनेटली सेंस हो रहा था कि आप लोग जो है ना कुछ बचपन की यादें या बचपन में कुछ किया करते थे या बहुत ही यूथफुल एनर्जीज वो आप लोग फील करोगे. ठीक है, आपके नेक्स्ट चैप्टर ऑफ लाइफ में ये चीज़ें मुझे दिख रही है. बॉटम में आ रहा है जुडिकेशन का कार्ड. आप में से कुछ लोग यहाँ पर ऐसा काम करते हो, मे बी आप कोई डिप्लोमेट हो सकते हैं. यहाँ पे डिप्लोमेसी का कार्ड है, यहाँ पे जुडिकेशन का कार्ड है. ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग जो है ना वो किसी न किसी पर्सन की किसी न किसी तरीके से हेल्प करेंगे. ओके, नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लोग किसी न किसी तरह से किसी दूसरे पर्सन को बचाने वाले हो किसी चीटिंग से, किसी फ्रॉडरी से, या वो पर्सन किसी गलत रास्ते पे है तो उसको हेल्प करोगे आप. फॉर सम ऑफ यू लीगल वे में भी हो सकता है. हो सकता है कि कोई आपका फ्रेंड है, उसकी डिवोर्स सेपरेशन हो रही है, उसका कोई छोटा बच्चा है, तो वहाँ पर आप किसी को गाइड कर सकते हो, सही एडवाइस दे सकते हो. ठीक है, तो वो चीज़ें होंगी. एंड बट आप लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि प्रोफेशनल वे में या किसी और तरीके से किसी की हेल्प कर रहे हैं. ओके, ऑल्सो यहाँ पे फोकस का कार्ड है, तो आप लोग जो है बहुत ज़्यादा फोकस होते हुए मुझे दिख रहे हैं. एंड यहाँ पे जेंटलनेस एंड डिप्लोमेसी का कार्ड है, तो आप फोकस हो रहे हो. साथ ही साथ मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी इस फोकस की वजह से कोई ऐसा रास्ता, कोई ऐसी ब्रिज बन रही है जो किसी चीज़ को जोड़ रही है. ठीक है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है लाइक आप किसी काम के ऊपर में, किसी काम को अपने हाथ में ले रहे हो, उसके ऊपर आपका ध्यान जा रहा है, बहुत ही फोकस बढ़ रहा है एंड कोई ब्रिज आप क्रिएट कर रहे हो. ठीक है, ब्रिज क्रिएट करने की वजह से दो लोगों का मिलना हो रहा है, दो प्रोजेक्ट का मिलना हो रहा है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं. लेट मी क्लैरिफाई, इसे हम देखते हैं क्या बताया जा रहा है. वी हैव थ्री ऑफ सोर्ड्स,
Ace of Sword. Okay. Please angels, help me and guide me. Seven of Wands. Two of Wands. Five of Pentacles. So option number one, I can see कि यहाँ पर कोई तो ऐसा पर्सन है जो आपसे रिलेटेड है, ठीक है, या आपका दोस्त, आपके बच्चे, या फिर आपका फ्रेंड, या आपके छोटे भाई बहन, या आपके पेरेंट्स, कोई वैसे हो सकते हैं, ठीक है, जो आपसे रिलेटेड है और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली. और वो पर्सन जो है ना अपनी लाइफ में खुद का किसी न किसी तरह से हानि कर रहा है, अपना वो लॉस कर रहा है, या अपने आपको वो हानि पहुंचा रहा है, हार्म कर रहा है, चाहे वो फाइनेंशियल वे में है, चाहे वो अपने आप को फिजिकली हार्म कर रहा है, लाइक उसकी हेल्थ खराब हो रही है या उसकी लाइफ खराब हो रही है किसी न किसी तरीके से, ठीक है, और वो पर्सन उस चीज़ को देख नहीं पा रहा है. तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है इस टाइम पीरियड में, लाइक फैब, मार्च और अप्रैल के महीने में आप उस पर्सन को ना हेल्प कर रहे हो, उसको उसके दिमाग में कुछ ऐसी नेगेटिव बातें हैं जो वो समझ नहीं पा रहा है या पा रही है, तो आप उसको उस चीज़ से बाहर निकालने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हो, और कहीं ना कहीं आपकी वजह से उसकी लाइफ में एक सुधार आता हुआ दिख रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. और डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे ब्रिज आप क्रिएट करो, और वो ब्रिज यही है कि ये पर्सन जो है इस पेनफुल एनर्जी से बाहर निकल रहा है, ओके, एक अच्छे पोजीशन पे पहुँच रहा है. हो सकता है उस पर्सन के ऊपर कोई एलिगेशन है, पैसे को लेके कोई आरोप लगा है, या उसकी फैमिली में कुछ लड़ाई झगड़े चल रहे हैं उस पर्सन के वजह से, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ भी उस पर्सन ने अपना खराब कर रखा है, तो वहाँ पर आप मदद कर रहे हो उसकी, ठीक है. लेट मी सी मोर आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है. प्लीज मदर, फादर एंड गॉड. ओके, इनर चाइल्ड हीलिंग. यहाँ पे चाइल्ड का कार्ड दो दो बार आ गया है, एक बार इनर चाइल्ड हीलिंग का कार्ड आया है देयर, देन वी हैव नो, ठीक है. सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए, हो सकता है आप लोग या तो भगवान को या अपने माता पिता को किसी न किसी तरीके से उनसे नाराज़ हो, ठीक है, और कहीं ना कहीं आपको हीलिंग की ज़रूरत है. आप में से कुछ लोगों के लिए मैसेज हो सकता है, बहुत स्पेसिफिक लोगों के लिए ये मैसेज हो सकता है, ठीक है, कि आपकी बचपन अच्छी नहीं रही थी, कोई पुरानी या बुरी याद है, और आपको कहा जा रहा है उससे बाहर निकलने के लिए, आपको कहा जा रहा है कि आप हील हो जाइए उस चीज़ से, ठीक है. और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपकी खुद के बच्चे हैं और आप उनके साथ इस टाइम पे अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे हो, उस बिहेवियर को रोकने की ज़रूरत है, बिकॉज हो सकता है कि उस बिहेवियर की वजह से उस बच्चे के अंदर वो एक ट्रॉमा बन सकता है और उसकी लाइफ में आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है. सो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है. अगर आप अपने माता पिता से परेशान हो या उनको ब्लेम करते हो कुछ चीज़ों के लिए, तो उस चीज़ को रिलीज़ कीजिए और पॉजिटिव वे में उस चीज़ को लेना है. यहाँ पे इनर चाइल्ड हीलिंग की बात कही जा रही है, तो ये आपको देखना है आपके सिचुएशन में. एंड यहाँ पे कट द कॉर्ड्स है और सेल्फ एक्सेप्टेंस का भी कार्ड है, तो एक्सेप्टेंस आना है आपको, ठीक है, खुद को एक्सेप्ट कीजिए जो भी चीज़ें हो गई हैं. सो यहाँ पे सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड कट द कॉर्ड्स है, पुराने जो भी कॉर्ड्स जुड़ जाते हैं उसको कट करने की ज़रूरत है. आपको हीलिंग की ज़रूरत है तो आप इस तरफ अपना कदम बढ़ा सकते हैं, ठीक है. सो चलिए चांस देखते हैं कि आपके नेक्स्ट चैप्टर ऑफ लाइफ में क्या चीज़ें बताई जा रही हैं. सो मुझे यहाँ पे एक यूनिकॉर्न दिख रहा है. आई होप अभी आपको अच्छे से नजर आ रहा हो, ठीक है. तो ये यूनिकॉर्न है यहाँ पर, और साथ ही साथ यहाँ पर ये सिंबल भी है, ओके. तो आप लोग कहीं ना कहीं प्रोटेक्टेड फील करोगे, ठीक है. बहुत सारी ब्लेसिंग जो है आप लोगों को इस टाइम पीरियड में आपको मिलेगी, ठीक है. नेक्स्ट चैप्टर में मुझे समवेयर बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि आप लोग एक स्पिरिचुअल गाइडेंस फील करोगे. साथ ही साथ आप लोगों की चारों तरफ जो भी नेगेटिव एनर्जीज है, कोई ट्रॉमा है, तो उसको रिलीज करने में आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद होने वाली है. यहाँ पर दो दो क्लोवर है, क्लोवर लीफ है, ठीक है. तो ये बताते हैं काफ़ी अच्छे लक को. तो
जो भी चीज़ें फंसी हुई है, कोई काम अगर फंसा हुआ है या किसी चीज़ में आपको लक की ज़रूरत है, कोई ऐसा काम करने वाले हो जहाँ पर आपको गुड लक की ज़रूरत है इस टाइम पीरियड में, तो आप लोगों के साथ आपका गुड लक है, यानी कि काम अच्छे होने वाले हैं, बन जाएंगे आपके काम इस टाइम पीरियड में। देन यहाँ पे येन एंड यांग का एक सिंबल है, तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे संदर्भ बता रही है, लाइक आप किसी को मिलवा रहे हो, ठीक है, कोई एनर्जीज जो बिखरी हुई है उसको साथ में लेके आ रहे हो, किसी को बैलेंस में लेके आ रहे हो, तो वो वाली चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। ओके एंड अगेन यहाँ पर एक यूनिकॉर्न का सिंबल है, बट ये जो मुझे दिखा रहा है ना, वो समवेयर जब मुझे जो मैसेज मिल रहा है इसको देख के, वो दिख रहा है लाइक एनर्जीज फील करना, ठीक है, बहुत ही एक यूथफुल एनर्जी आप लोग फील करोगे अपने अंदर, ठीक है। सो दिस इज़ द थिंग एंड यहाँ पर लव है, तो आपके रिलेशन ना आपके मदर फादर, आपके रिलेटिव्स के साथ, स्पेशली आपके मदर फादर, आपके पेरेंट्स के साथ जो है ना, वो अच्छे होंगे इस टाइम पीरियड में, जिन लोगों के लिए ये प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। हो सकता है कभी कभी हम अपने माता पिता से गुस्सा हो जाते हैं, कोई उनकी ऐसी बात होती है जो बुरी लग जाती है, तो वो चीज़ अच्छी हो जाएगी, ठीक है। आपको ये पता चल जाएगा कि जो मदर फादर है उनकी इंटेंशन आपके प्रति गलत नहीं है, वो आपको दिल से प्यार करते हैं, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। सो दिस इज़ योर रीडिंग ऑप्शन नंबर 1। आई होप सो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है, मुझे बताइएगा ज़रूर, और हम मिलेंगे दूसरी रीडिंग में। अपना ध्यान रखिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो ऑप्शन नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। आपके नेम इनिशियल्स यहाँ पर है, चलिए देखते हैं कि आपके लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर कैसा होने वाला है। फैब मार्च एंड अप्रैल, ठीक है, ये 3 मंथ्स आप लोगों के लिए कैसे जाएंगे, तो चलिए कार्ड्स हम लेते हैं आपके लिए। तब तक आप वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, आपके कमेंट्स लिखिए, और जो भी अफर्मेशन है आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं, कोई सजेशन है उसे लिख सकते हैं। लेट्स सी ऑप्शन नंबर 2 के लिए हमें क्या पता चलता है। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर, 4 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके सो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे मुझे दिख रहा है जैसे कि किसी चीज़ को लेके आप ऑनेस्ट नहीं हो, और आप इस टाइम पे प्रिटेंड कर रहे हो कुछ चीज़ों को, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो कि आपके लाइफ में कोई ऐसी चीज़ है जो अच्छी नहीं चल रही है, बट आप लोगों को दिखा रहे हो या घर में सबको दिखा रहे हो कि अच्छी है, ठीक है, चाहे वो आपका इमोशनल स्टेट है या कुछ, तो आपकी लाइफ में इस टाइम पे गड़बड़ चल रही है, बट आप उस पर पर्दा डाल रहे हो और लोगों को दिखा रहे हो कि सब कुछ ठीक है। आप अपने आप को पावरफुल दिखाने की कोशिश कर रहे हो, अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, खुश दिखाने की कोशिश कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ जो है इस टाइम पे बिगड़ी हुई है, ख़राब हो गई है, और परेशानी आपके दिमाग में चल रही है, बट जब आप लोगों के सामने आते हो, चाहे वो आपके माता पिता है, जो भी है, उनके सामने आप अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि आपकी कोई गलती है जिसके चलते चीज़ें खराब हुई है, और आप नहीं चाहते कि वो दूसरों के सामने आए, ठीक है। कुछ शर्मिंदगी भी यहाँ पे मुझे दिख रही है। ओके कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है जो आई थी आपके पास, वो चली गई क्योंकि आपकी कोई गलती थी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम्स के रिजल्ट्स आए हैं वो अच्छे नहीं हैं, पर आप अपने घर पर वो बता नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो कुछ यहाँ पर मुझे उस तरीके से नज़र आ रहा है। ओके लेट मी सी मोर। या हो सकता है किसी ने आपको हर्ट किया है, बट फिर भी आप दिखा नहीं रहे हो उस चीज़ को, ठीक है। कुछ तो हिडन है, कुछ तो आपके मन में चल रहा है यहाँ पर। ओके किंग ऑफ सोर्ड्स, दो दो किंग्स यहाँ पे आए हैं। फॉर सम ऑफ यू ऐसा हो सकता है कि आप किसी को पसंद करते थे, किसी को लाइक करते थे, ठीक है, बट आपको पता चला कि वो पर्सन किसी और को पसंद करता है, ठीक है, या फिर उस पर्सन की कोई ऐसी बात आपको पता चल गई जिसके चलते आपको काफ़ी नाराज़गी हो रही है, काफ़ी बुरा लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई तो हिडन बात है जो आपको परेशान कर रही है इस टाइम पे। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी मैसेज दिख रहा है जैसे कि हो सकता है किसी को आप अपना दोस्त मानते थे, और हो सकता है उस पर्सन ने आपको ये बताया कि वो आपको पसंद करता है, और वो चीज़ हो सकता है आपको पसंद नहीं आ रही है, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपका कोई एक्स पर्सन है वो आपके लाइफ में वापस आना चाह रहा है, तो ये चीज़ भी हो सकता है आप लोगों को परेशान कर रही है।
ठीक है, एक डिसेप्शन की एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है, कुछ छुपाया जा रहा है, कुछ झूठ बोला जा रहा है, चाहे वो आपकी तरफ से है और आप उस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हो, लोगों के सामने दिखा रहे हो कि आप अच्छे हो, पावरफुल हो, ठीक है। तो ये सारी एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिख रही है, करेंट एनर्जीज। वर्गो साइन हो सकता है, कैंसर, और यहाँ पे साइंस जो है वो टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। कार्ड्स में, कार्ड्स के अकॉर्डिंग मैं नहीं बता रही हूँ आप लोगों को, जो एनर्जी किस मुझे दिख रही है वो मैं बता रही हूँ, ठीक है। यस, एंड फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे वर्गो, यस वर्गो मैंने बता दिया, सो वर्गो की एनर्जी है। यस, सो ये सारे कार्ड्स मैं यहाँ पे हटा दूंगी और फिर देखूंगी कि नेक्स्ट चैप्टर कैसा रहने वाला है आप लोगों की लाइफ का, ठीक है। सो चलिए ऑप्शन नंबर टू, आप लोगों के नेक्स्ट चैप्टर कैसे रहने वाले लाइफ के वो हम देखते हैं। वी हैव एस ऑफ कप्स, ऑप्शन नंबर टू, नेक्स्ट चैप्टर ऑफ देयर लाइफ। नाइट ऑफ कप्स, ओके, ऑप्शन नंबर टू, नेक्स्ट चैप्टर ऑफ देयर लाइफ। वी हैव जस्टिस, बैलेंस, ये जस्टिस का कार्ड है, ठीक है, और ये वाला कार्ड भी जस्टिस का है। ओह माय गॉड, डिसेप्शन एंड एनवी, एंड डेफिनेटली ये वाली बात मैं आपको बता रही थी, जैसे कुछ कुछ चीजें छुपी हुई है, ओके, पैशन इग्नाइटेड, ठीक है। सो यहां पर मैं आप लोगों के लिए और भी कार्ड्स लूंगी ताकि क्लियरली मैसेजेस मैं आप लोगों को बता सकूं। नंबर वन, नंबर वन वन वन, ओके, सो ऑप्शन नंबर टू आप लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है, मंथ ऑफ फैब जो है ना वो आप लोगों के लिए बहुत खास होने वाला है, ठीक है। वी हैव द कार्ड ऑफ मैजिशियन, एस ऑफ कप्स एंड बैलेंस। मुझे पता है इस रीडिंग को बहुत सारे लोग देखेंगे, सभी के लिए अलग अलग वे में होगा, बट ये जो मंथ ऑफ फैब है ना आप लोगों के लिए बहुत खास रहने वाला है, ओके। इस मंथ में कुछ ना कुछ ऐसा होगा बहुत ही स्पेशल, बहुत ही अलग, ठीक है। जैसे कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अनएक्सपेक्टेडली इस मंथ में आपको कोई गिफ्ट रिसीव हो सकता है, ओके। कुछ मैनिफेस्ट आप लोग कर रहे हो बहुत दिनों से, कोई घर खरीदना है, कुछ भी ऐसे मैनिफेस्ट आप लोग कर रहे हो विद द कार्ड ऑफ मैजिशियन। तो इस मंथ में आपको रियलाइज होगा कि वाकई में आप चीज़ों को अपनी लाइफ में अपने इंटेंशन के थ्रू मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, और यहाँ पे बहुत आप लोगों को एक मैजिकल एक्सपीरियंस होना, वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे सेंस हो रही है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग जो है वो किसी से मिलना चाह रहे हो, या किसी स्ट्रेंजर पर, स्ट्रेंजर से मिलना आप लोगों के लिए होगा, और बहुत ही उससे अच्छा मिलने के बाद बहुत अच्छा लगेगा, या आप लोग बहुत ही इंस्टेंटली एक कनेक्शन उसके साथ फील कर पाओगे, ठीक है। या फिर यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कोई ज़रूरी नहीं है फिजिकली मिलना, किसी वीडियो में, किसी वीडियोस के थ्रू, ठीक है, कोई पर्सन है उसको मिलोगे, ठीक है, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। और आपको लगेगा जैसे कि आपको इस पर्सन से मिलवाया गया है, या मिलने की ज़रूरत थी उस टाइम पीरियड में, ठीक है, या फिर उस पर्सन का कुछ वीडियो या कोई मैसेज मिल जाएगा आपको, और आपको लगेगा जैसे कि मुझे इस चीज़ को रिसीव करना था इस टाइम पे और मुझे मिला है, ठीक है। यहाँ पे एक एंजल मुझे दिख रहा है, तो ये दिखा रहा है जैसे कि आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है फैब मंथ में वो चीज़ आपको पहुंचा दी जाएगी, वेदर आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो या कुछ लोग नहीं भी कर रहे हैं, बट आप उस चीज़ को अंदर से चाहते हो, ठीक है। सबकॉन्शियस वे में आप लोग उस चीज़ को चाहते हो, एंड डेफिनेटली
मंथ ऑफ फैब आपके लिए मैजिकल होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है। आप लोग किसी से मिल भी सकते हो और कोई ऐसी चीज़ जो आपको ज़रूरत है वो उस मंथ में मिल जाएगी आपको, ठीक है, मिलेगी थ्रू मैसेजेस, किसी पर्सन के थ्रू किसी से मिलना हो सकता है, ठीक है। सो ये चीज़ मुझे आज दिख रही है। मंथ ऑफ मार्च आप लोगों का ऐसा हो सकता है कि आप लोग किसी की आप लोगों के लिए मुझे दिख रहा है मंथ ऑफ जो मार्च होगा आप लोगों के लिए, उस मंथ में कहीं ना कहीं आपको थोड़ा किसी चीज़ को लेके ऑनेस्ट होने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप किसी के साथ झूठ बोल रहे हो, कोई चीज़ है जो आपको बता देनी चाहिए, या किसी के साथ कोई बेईमानी कर रहे हो, किसी को हर्ट कर रहे हो, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है, ठीक है, तो वहाँ पर आपको सुधार करने की ज़रूरत है। मंथ ऑफ मार्च आपके लिए सेल्फ इम्प्रूवमेंट, ऑल्सो सेल्फ रियलाइजेशन का मंथ है, जहाँ पर आपको अपने भीतर सुधार करने की ज़रूरत मुझे दिखाई जा रही है। हो सकता है आप लोग किसी की ग्रोथ को देख के या किसी की रिलेशनशिप को देख के या किसी चीज़ को देख के थोड़ा आपको बुरा फील हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक डिसेप्शन की एनर्जी है, एनवी की एनर्जी है, तो उस चीज़ को आपको हटाना है, ओके। और आप जितना हो सकता है उतना अपने अंदर, यहाँ पे मुझे फील हो रहा है लाइक आपको किसी से कुछ बोलना है, सच्चाई बतानी है, तो वो चीज़ आपको करनी है। ऑल्सो अपनी लाइफ की जो ग्रोथ है आपकी, उसको दूसरे से कंपेयर मत करिए, वो उनका लाइफ है, उनकी जर्नी है और आपकी एक अलग जर्नी है, ठीक है। सो वो चीज़ है। और समवेयर मुझे दिख रहा है कि आप जिससे खुद को कंपेयर कर रहे हो ना, उससे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपकी ग्रोथ होगी, ठीक है, बट आप उस चीज़ को नहीं देख पा रहे हो और आपको लग रहा है कि आपकी ग्रोथ नहीं होगी या फिर आप पीछे रह जाओगे। बट बिलीव मी, मुझे यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है कि आपको खुद के अंदर इम्प्रूवमेंट करना है, स्पेशली इन द मंथ ऑफ मार्च। अपने अंदर जो चीज़ें आपको लग रहा है कि कुछ बेईमानी कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, या किसी से कंपैरिजन है, एक जलन की एनर्जी हो सकती है, तो उसको रिलीज करिए। और मुझे यहाँ पे बताया जा रहा है आप लोगों के लिए कि आप लोगों को, आप जहाँ पे कंपेयर कर रहे हो ना, उससे कहीं ज़्यादा आप जाने वाले हो, ठीक है, कहीं ज़्यादा ग्रोथ, कहीं ज़्यादा सक्सेस आप लोग देखने वाले हो, ठीक है। सो इस चीज़ पे आपको भरोसा रखना है, ठीक है। एंड देन ऑप्शन नंबर टू आप लोगों के लिए, जो मंथ ऑफ अप्रैल रहने वाला है ना, वो बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए बिजी हो सकता है। आप लोग बहुत बिजी रहने वाले हो, ट्रैवल जर्नी ये सभी आप लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। वर्क में काफ़ी ज़्यादा काम आप लोगों के लिए हो सकता है। कुछ लोग कोई डेटिंग की, मतलब मुझे यहाँ पे दिख रहा है किसी को डेट कर रहे हो, या कोई सीरियस रिलेशनशिप मुझे नहीं दिख रही है, बट किसी को पसंद करना, उसके साथ समय बिताना, ठीक है, वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही, हो सकता है आप लोग किसी से मिलना चाहते हो, वो हो रहा है, ठीक है। बट मंथ ऑफ अप्रैल जो है वो काफ़ी आप लोगों का बिजी रहेगा। फॉर सम ऑफ यू, आप लोग हो सकता है किसी के साथ मिलोगे, ठीक है, एक हुकअप टाइप एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है, वो चीज़ है। लेट मी सी मोर, ओके, आप लोगों के लिए नेक्स्ट चैप्टर में क्या चीज़ें हो रही है। क्रिएटिव प्रोजेक्ट, इंडिपेंडेंस, हेल्दी बाउंड्री, यहाँ पे हाई प्रिस्टस का कार्ड है, ओके। बॉटम में है फॉरगिवनेस, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, सी यहाँ पे आप लोगों के लिए है फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, एंड ये वाली चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही थी, ठीक है। सो एक चीज़ तो मुझे यहाँ पे कंफर्म कर दिया गया है कि नेक्स्ट चैप्टर में आपकी कोई विश जो है वो पूरी हो रही है, और आपको फील होगा कि आपके भीतर एक स्पेशल पावर है जो सभी के अंदर होती है, बट अगर आप उसे चाहो तो उसे बाहर निकाल सकते हो, ठीक है। तो आपकी कोई विश मैनिफेस्ट होने वाली है, आपकी कोई ऐसी मन की इच्छा पूरी हो जाएगी जिसको आपने मैनिफेस्ट किया है अपने लाइफ में। यहाँ पे भी मैजिशियन का कार्ड है, यहाँ पे द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, ओके। सो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे कंफर्म किए जा रहे हैं, नेक्स्ट चैप्टर में आपकी कोई विश पूरी होने वाली है। और जब आप मुझे बता सकते हो कि ऐसी क्या चीज़ है जो आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो, इफ़ यू कैन सी, यहाँ पे एक डायरी मुझे दिख रही है, तो हो सकता है आप लोग उसे
जर्नलिंग के थ्रू मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे एक हाई प्रिस्टेस है, यहाँ पे प्रोफेसी है, विजन है, तो ये आपकी कोई ना कोई विश पूरी होगी, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है क्रिएटिव प्रोजेक्ट एंड फाउंडेशन एंड अचीवमेंट। आप लोग नेक्स्ट चैप्टर में कुछ बिल्ड करने वाले हैं, ठीक है। अगर आप लोग ऑफिस में हो, कुछ मतलब जो भी आप लोग काम करते हो, आप लोग एक इंजीनियर हो सकते हो, ठीक है। आप लोगों का कोई भी काम है ना, वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी शो कर रहे हैं, और नेक्स्ट चैप्टर में काम को लेकर काफ़ी बिजी रहने वाले हैं। नए नए प्रोजेक्ट्स आपके हाथ में आ सकते हैं, कुछ नया बिल्ड करने की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। फॉर सम ऑफ यू, आप लोग अपना घर भी बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है क्रिएटिव प्रोजेक्ट एंड आफ्टर दैट वी हैव दिस कार्ड, ओके। सो यहाँ पे हो सकता है आप खुद का घर बनाने वाले हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपने वर्क प्लेस पे कुछ नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करोगे, ठीक है, दैट इज़ द थिंग। ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद द कार्ड ऑफ इंडिपेंडेंस, हेल्दी बाउंड्री एंड पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ नेगेटिव चीज़ों को अपने लाइफ से निकालना और आगे बढ़ने की एनर्जी है, ठीक है, सही दिशा में जाना, वो चीज़ मुझे दिख रही है। आप लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर में, ऐसा हो सकता है कि आपको पता चले कि मुझे ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, या आपको किसी चीज़ से अपनी हेल्दी बाउंड्री सेट करनी है, तो वो चीज़ें आप करोगे और फिर जो है वो आप लोग एक नए डायरेक्शन में आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाए जा रहे हैं, ठीक है। सो लेट मी सी मोर, नेक्स्ट चैप्टर में क्या कुछ देखने वाले हैं हमारे व्यूअर्स ऑप्शन नंबर टू के। मैसेज ऑफ कंसर्न नंबर 14, थॉट्स। आप लोग काफी क्रिएटिव हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स का कार्ड है, यहाँ पे पेंट ब्रशेस दिख रहे हैं, और आप लोग इस समय हो सकता है काम को लेके भी काफ़ी टेंशन में हो। यस, यहाँ पे पॉवर्टी का कार्ड है, हो सकता है आपके काम, आप इस टाइम पे जॉबलेस हो, आपके काम में कुछ गड़बड़ी हो गई है। यहाँ पर एक कैट दिख रही है, तो हो सकता है आप लोग जो है वो नए काम में जाओगे, ठीक है। आपको सही जगह पे एक जॉब मिल जाएगी जहाँ पर आपके आर्ट, टैलेंट, आपके स्किल्स को रिस्पेक्ट किया जाएगा, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे मैसेज ऑफ कंसर्न है, हो सकता है कि आप लोगों को इस टाइम पे एक जॉब से बाहर निकाला गया है, या फिर इस टाइम पे आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपका जो वर्क है वो किधर उसको रिकॉग्निशन मिलेगी, तो वो चीज़ जो है खत्म होने वाली है, ठीक है। वेल्दी मैन का कार्ड है, यस। जो लोग इस टाइम पे काफ़ी अपने आप को फील कर रहे हैं कि आपके पास पैसे नहीं है, इनकम का सोर्स नहीं है, देन डेफिनेटली ये पॉवर्टी के बाद वेल्दी मैन का कार्ड है, तो आपको सही ढंग का काम जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। एंड एक अच्छा प्रोजेक्ट में आप इन्वॉल्व अपने आप को देखोगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर टू, ये मैसेजेस मुझे दिखाए जा रहे हैं। चलिए देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज एंजल्स, हमें ऑप्शन नंबर टू के लिए क्या गाइडेंस देना है। अर्थ एंड ग्राउंड, ओके। डू द वर्क, सरेंडर, ठीक है। आप लोग सबसे पहली चीज मुझे यहां पे बताया जा रहा है अर्थ एंड ग्राउंड, ओके। अर्थ एंड ग्राउंड का क्या मतलब है, यहाँ पर आप लोगों के लिए अलग मैसेजेस हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए अर्थ एंड ग्राउंड का जो मैसेज आता है, तो मुझे लग रहा है कि आप लोग जो है इस टाइम पे, हो सकता है डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कुछ इश्यूज है आपको, रूट चक्रा में बहुत सारे ब्लॉकेजेस हो सकते हैं। रूट चक्रा में जब ब्लॉकेज होते हैं तो आप लोग जो है अपने लाइफ में स्टेबल नहीं फील करते हो, ठीक है। आप लोग बहुत ज़्यादा मेटलिस्टिक चीज़ों की तरफ इंक्लिनेशन फील करते हो, आप लोग पैसों की तरफ ज़्यादा भागते हो, ठीक है। मतलब ये चीज़ें होती है जिन लोगों की रूट चक्रास में प्रॉब्लम होते हैं, हो सकता है कि आपके साथ इनमें से कोई सिम्टम्स आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले कहा जा रहा है दैट रूट चक्रा के लिए मेडिटेशन करिए, या रूट चक्रा को हील करिए, या उसके अंदर जो ब्लॉकेज है उसको आप लोग क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग ऐसे मेडिटेशन करिए, लाइक बैठ जाइए जमीन के ऊपर में, कुछ ऐसे योगा मैट है तो उसको डाल के आप आराम से जमीन पर बैठ जाइए, और कोई अच्छा सा म्यूजिक लगा लीजिए मेडिटेशन के लिए, हाथों को जोड़ के बैठ जाइए और ऐसा फील करिए कि आपके जो रूट चक्रा है, यानी कि स्पाइन के पोजीशन होते हैं लाइक सबसे नीचे, ठीक है, वहाँ पर आप रेड लाइट फील करिए,
आप चाहे तो अच्छे से पहले देख लीजिए रूट चक्र का कहाँ पे पोजीशन होता है, क्योंकि आपको इमेजिन करना है कि वहां पर एक रेड लाइट है और वहां से एक रूट जो है वो निकल रही है और वो जमीन के भीतर जा रही है और आपकी सारी नेगेटिविटी जो है वो लेके जा रही है और पॉजिटिव एनर्जी आपको ऊपर की तरफ आ रही है, ठीक है, ऊपर की तरफ आ रही है और आप बहुत ही सिक्योर, स्टेबल, सेफ फील कर रहे हो, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आपको करनी है। नहीं समझ में आया आपको तो मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं आपको बता दूंगी, चाहे वीडियो को आप लोग रिवाइंड करके भी देख सकते हो, बट ये चीज़ें करिएगा क्योंकि ये दोनों कार्ड्स ही आप लोगों को बताए जा रहे हैं, लाइक डू दिस वर्क, ओके। अर्थ एंड ग्राउंड, आपको इस टाइम पे अपने आप को ग्राउंड करने की ज़रूरत है, अपने आप को अपने जड़ से जुड़ा हुआ महसूस करने की ज़रूरत है, स्टेबल फील करने की ज़रूरत है। ऐसा मत फील करिए कि आपको सिक्योरिटी नहीं मिलेगी आपके लाइफ में, ठीक है। तो आप डेफिनेटली रूट चक्रा के लिए मेडिटेशन करिए, रूट चक्रा के अंदर जो भी ब्लॉकेजेस है ना उसको निकालने की कोशिश करिए, ठीक है। आप लोग मेडिटेशन नहीं करना चाहते हो तो अफर्मेशन भी आप लोग बोल सकते हो, लाइक आई एम सिक्योर, आई एम सेफ, ठीक है, आई एम स्टेबल, आई एम ग्राउंडेड, तो ये सभी चीज़ें भी आप लोग कर सकते हो। एंड नाउ हमारे पास सरेंडर का कार्ड है, तो आपको चीज़ों को कभी कभी क्या होता है ना लाइफ में, आपको चीज़ों को सरेंडर करना होता है, कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती ऐसा आपको फील हो सकता है, तो उस टाइम पे चीज़ों को लेट गो करिए, भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए और सही समय का इंतज़ार करिए, ठीक है। अपना काम करिए, डू द वर्क एंड सरेंडर, ठीक है। ये आपको यहाँ पे मैसेजेस दिए जा रहे हैं। सो दिस इज़ योर रीडिंग, नो, मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए चांस लेना है, चांस से देख लेते हैं कि क्या मैसेजेस दिए जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों के लिए कैट फिर से आया है, ओके, यहाँ पर भी कैट है, यू कैन सी, ठीक है। और ये आपकी रीडिंग में है, ऑप्शन नंबर 1 में नहीं आया था, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे बता रहा है कि आपको इस टाइम पे अपने इंडिपेंडेंस के ऊपर में ध्यान देना है, एक हेल्दी बाउंड्री बनानी है, ओके, और समवेयर अपनी इंट्यूशन पे भरोसा करना है, वो भी चीज़ मुझे यहाँ पे बताई जा रही है थ्रू दिस चार्म, ओके। एंड दिस इज अ पंपकिन, ओके, इफ यू कैन सी, यस, तो ये वाली चीज़ मुझे यहाँ पे बता रहा है, जैसे कि आप लोगों को अगर अपने लाइफ में ग्रोथ देखनी है तो आपको थोड़ा समय का इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है, लाइक आपकी विश फुलफिल हो उसके लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, आपकी विश फुलफिल होगी ज़रूर। एंड दिस इज़ अ यूनिकॉर्न, ओके, सो यूनिकॉर्न मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए बता रहा है कि आप लोग जो है ना वो बहुत जल्दी ट्रस्ट खो देते हो, ठीक है। आपको लगता है कि आपकी लाइफ में मैजिक नहीं होगा, आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छी नहीं होंगी, तो आपको ट्रस्ट रखना है। और यहाँ पर आ रहा है आप लोगों के लिए क्राउन, सो क्राउन जो है वो आप लोगों के लिए रेस्पेक्ट बता रहा है, सो रेस्पेक्ट आपको मिलेगी नेक्स्ट चैप्टर में, ओके। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है कि कोई जॉब लगना, कोई पोजीशन मिलना, ठीक है, वो क्राउन रेस्पेक्ट लेके आता है, वो चीज़ आप लोगों के लिए दिखाई जा रही है। एंड दिस इज़ अ लकी क्लोवर, तो ये 3 महीने आप लोगों के लिए अच्छे रहेंगे। एंड यहाँ पर आप लोगों के लिए डेंजर का भी साइन है, सो डेंजर का साइन आपकी रीडिंग में आया है और मुझे यहाँ पे एक डिसेप्शन की एनर्जी फील हो रही है, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा है आपको जो नहीं करना है, ठीक है, आपको कुछ चीज़ों को रोकना है, तो ये ध्यान आप रखिएगा, बिकॉज ये रीडिंग आपकी है, आपके लिए ही ये साइन आया है। सो कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो आप लोग इस टाइम पे कर रहे हो, खुद से एनालाइज करिए और उसको बंद कर दीजिए, ठीक है। नाउ दिस इज़ द की, ये वाली की है यहाँ पर, ओके, एंड लेट मी शो यू, ये वाला बक्सा है और ये की है, ठीक है, तो ये वाला बक्सा जो है खुलने वाला है और आपकी कोई विश जो है वो पूरी होने वाली है, ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग, ऑप्शन नंबर 2, मुझे ये मैसेजेस दिए गए हैं आप लोगों के लिए। आई होप सो रीडिंग आपको अच्छी लगी है, अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, आपके कमेंट्स मुझे बताइए लिख के कमेंट सेक्शन में। सो हम मिलेंगे दूसरे रीडिंग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।